हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस चैनल। आज 4 मई है और मैं आपको द हिंदू में जो इम्पोर्टेंट वोकैब आई है वो बताने जा रहा हूँ। आज की वोकैब मैंने 2 तरीके से लिखे हैं। एक तो जो वोकैब है इनके डायरेक्ट वर्ड और मीनिंग है, और जो दूसरी वोकैब है इनके रूट वर्ड से हैं। तो आप ये मैंने कई बार बता दिया कि अगर आपने वर्ड और मीनिंग देखे हैं, जैसे कि वीडियो में आप देख लेते हो, तो आप पक्का क्वेश्चन सही करोगे। तो आप श्योर रहो कि इस वीडियो से आपके ज़्यादातर वोकैबुलरी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो अब देखो, जो पहला क्वेश्चन, पहला जो वर्ड है यहाँ से देखो। आज पहले आप जो रूट वर्ड्स हैं, ईगो सेंट्रिक दो वर्ड से मिलके बना है, ईगो प्लस सेंट्रिक। ईगो का मतलब होता है आई और सेंट्रिक होता है सेंटर। तो जो ईगो सेंट्रिक होता है बंदा, वो सोचता है कि मैं सेंटर ऑफ द वर्ल्ड हूँ, मैं ही वर्ल्ड का सेंटर हूँ। जैसे आप कोई लगा लो ईगो सेंट्रिक, विराट कोहली को ही लगा लो, कि वो विराट कोहली इतने ईगो में है कि वो सोच रहा है कि मैं सेंटर ऑफ द वर्ल्ड हूँ। अभी है नहीं वो, बस आप एग्जांपल लेने के लिए सोचो, सलमान खान ले लो एग्जांपल, या फिर जो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड समझते हैं अपने आप को। अब दूसरा देखो, ईगो मैनियाक। अब ईगो मैनियाक दो वर्ड से बना है, ईगो प्लस मैनियाक। ईगो का फिर से आई और मैनियाक का मतलब ऑब्सेशन, ऑब्सेशन मतलब चाहत। उसे तो ईगो की बहुत चाहत है। तो ईगो मैनियाक होता है बंदा जैसे टेररिस्ट, वो कुछ हाई लेवल पे ईगो में घुस गया कि अब ईगो उसकी बड़ी हाई चली गई। ऑल्ट्रुइज्म, ऑल्ट्रुइज्म भी फिर अल्टर वर्ड से बड़ा है। अल्टर होता है अदर्स, तो अल्ट्रुइज्म होती है हेल्प ऑफ अदर्स, जो दूसरों की हेल्प करते हैं उन्हें अल्ट्रुस्टिक बंदे बोलते हैं हम। फिर जो आपका चौथा है अल्टरकेशन, ये भी अल्टर से बना अदर। तो अल्टरकेशन का मतलब भैंसबाजी, क्योंकि उसके थॉट्स अदर हैं, आपके थॉट अदर हैं, तो इसलिए आप उससे भैंसबाजी कर रहे हो, तो अल्टरकेशन ये होता है। अब देखो अल्टर ईगो, ये भी दो वर्ड से बना, अल्टर प्लस ईगो। अल्टर का मतलब अदर और ईगो मतलब आई, मतलब कोई ऐसा बंदा जो बिल्कुल आपके जैसे ही है, कोई अदर बंदा जो ईगो आई बिल्कुल अपने जैसे ही है, तो अल्टर ईगो मतलब होता अपने जैसे सेम बंदा। अब ये देखो, जो द हिंदू के बिल्कुल मेन वर्ड आते हैं इंपॉर्टेंट, मेलाफाइड। मेलाफाइड होता है इलीगल, जैसे कि मालाफाइड यूज ऑफ पोजिशन, पोजिशन का गलत यूज, इलीगल यूज। अब इसका एंटोनिम होता है बोनाफाइड जेनुअन यूज। तो जैसे कि जेनुअन यूज ऑफ पोजिशन, बोनाफाइड यूज मतलब बिल्कुल रियल यूज। एम्बिट सीमा, जैसे कि द आंसर वॉज एम्बिट ऑफ दिस बुक, जो आंसर था वो बुक की उससे बाहर था, मतलब क्वेश्चन लगा लो अब जो क्वेश्चन आया पेपर में बुक की सीमा से ही बाहर था। डोंडेड, डोंडेड का मतलब होता है बिगिन, डोन का मतलब भी होता है दिन की शुरुआत। तो जैसे कि न्यू पॉलिटिकल एरा डोंडेड, जो नया पॉलिटिकल एरा स्टार्ट हो गया। क्रैकपॉट साइंस इडियम है इम्प्रैक्टिकल, जैसे कि चप्पल उल्टी करने से पिटाई लग जाती है, ये कैसी है क्रैकडाउन साइंस, ठीक है। कैश टू टू एक सिचुएशन होती है, एक डिलीमा होता है। कैसा डिलीमा, कि दोनों जो सिचुएशन है एक दूसरे पर डिपेंड है, तो आप इसमें से बाहर ही नहीं निकल सकते, क्योंकि आप एक करने जाओगे आप दूसरे में फंस जाओगे। आगे कुआ पीछे खाई लगा लो इसे, कि आगे कुआ है पीछे खाई, कैच टू टू सिचुएशन कहते हैं इसको इंग्लिश में। डीवीएस, डीवीएस का मतलब होता है चालाक। दे इंट्रोड्यूस डीवीएस एग्रीमेंट, उन्होंने एक चालाक एग्रीमेंट बनाया। अगला देखो, लुडिक्रियस, लुडिक्रियस का मतलब होता है बेतुका बयान, जैसे कि अभी ये बीजेपी के एमएलए दे रहे हैं लुडिक्रियस बयान कहते हैं इनको, हास्यास्पद भी कह सकते हो आप, इस पे हंसी आए। ही गिव अ लुडिक्रियस स्टेटमेंट, उसने एक बेतुका बयान है, हास्यास्पद बयान दिया। लेडेन का मतलब होता है लोडेड, जैसे कि द ट्रक वॉज लोडेड विद एप्पल, जो ट्रक था वो सेब से लदा हुआ था। योर, योर का मतलब होता प्राचीन काल। अशोका वॉज ग्रेट एम्पायर ऑफ योर, जो अशोका थे वो प्राचीन काल के बहुत अच्छे एम्परर थे। अगला आ गया सिक्वेस्ट्रिंग, सिक्वेस्ट्रिंग का मतलब था आइसोलेट करना, अलग करना, जैसे कि इंडिया इज सिक्वेस्ट्रिंग पाकिस्तान, जो इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रही है, अलग करने की कोशिश कर रही है। असर्प का मतलब था सीज, जैसे कि असर्प पावर ऑफ जुडिशरी, सेंटर इज ट्राइंग टू असर्प पावर ऑफ जुडिशरी, जो सेंटर है वो जुडिशरी की पावर को सीज करने की कोशिश कर रहा है। और जो लास्ट है आपका स्ट्राइफ, स्ट्राइफ होता है कॉन्फ्लिक्ट, बस हल्का सा कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि अ स्ट्राइफ वॉज हेल्ड बिटवीन कम्युनिटी, जो कम्युनिटियों के बीच में थोड़े सा झड़प हो गई, ज़्यादा तगड़ा नहीं, रायोट नहीं कह सकते आप इसको, रायोट तो बहुत अच्छा दंगा कहते हैं ये हाई लेवल पे, पर स्ट्राइफ होता है छोटा मोटा दंगा।
तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आप मुझे बताओ कौन से वर्ड आपको अच्छे लगे, रूट वाले या मीनिंग वाले डायरेक्ट।